नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है बीजेपी से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि राम राज्य स्थापित हो चुका है। योगी जी के नेतृत्व में इस समय सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं जिस घटना की बात कर रहा हूँ, ये किसी विपक्ष के लोगों के साथ घटना नहीं हुई है, किसी आम नागरिक के साथ घटना नहीं हुई है। ये घटना हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेता की। और ये घटना जो हुई है, ये कहीं ना कहीं आपको दुख पहुँचाएगी। और ये घटना में पुलिस शामिल है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस, जिसको कहा जाता है कि ठोक दो तो ठोक देती है और आगे पीछे कुछ नहीं देखती। आप यहाँ पर इस घटना को सोचिएगा, समझिएगा। और जिस बीजेपी नेता के साथ ये घटना हुई है, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने भाजपा नेता के साथ की लूटपाट। महोबा में दुर्घटना में घायल हुए भाजपा युवा मोर्चा के नेता अस्पताल पहुंचाने की जगह पुलिस वालों ने उनकी अंगूठी, चैन और मोबाइल को लूट लिया। बेहद शर्मनाक। बात यहां समाजवादी पार्टी की नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, यहां पर उस पुलिस की है। अगर कोई आम आदमी हो या कोई नेता ही हो, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस को मदद करनी चाहिए। पुलिस के ऊपर आरोप जो लगा है, समाजवादी पार्टी ने आरोप नहीं लगाए हैं, ये तो केवल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। पूरी खबर हम आपको सुनाते हैं। पुलिस वालों की इस करतूत के कारण घायल भाजपा नेता को समय पर इलाज नहीं मिला और मौत हो गई। दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपके सामने पूरी खबर है, देख सकते हैं, दैनिक जागरण की खबर है। इसमें 30 मिनट तक घटनास्थल पर तड़पता रहा भाजपा युवा मोर्चा का नेता और पुलिस करती रही लूटपाट। देखिएगा, चरखारी महोबा मार्ग पर सुभा मोड़ के पास दुर्घटना के एक युवक के घायल पड़े होने की सूचना पहुंची। पीआरबी पुलिस ने बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी। घटनास्थल पर 30 मिनट तक भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का नेता तड़पता रहा, पुलिस लूटपाट करती रही। यदि पुलिसकर्मी घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचा ले तो उसकी जान बच जाती। अब आप सोचिएगा, कोई घायल तड़प रहा है, कोई घायल तड़प रहा है और पुलिस लूटपाट कर रही है। आप सोचिएगा, 30 मिनट तक तड़पता रहा। हालांकि पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा करते हुए पीआरबी कर्मी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से भाजपा नेता की 4 अंगूठी, चेन, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। चरखारी के मोहल्ला घुसियाना निवासी भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष व व्यापार मंडल में युवा महामंत्री सचिन पाठक 16 सितंबर की करीब 10 बजे रात को सूफा चरखारी मोड़ के पास सड़क के किनारे में घायल अवस्था में मिले थे। सूचना पर 10-15 मिनट के अंदर पीआरबी कर्मी मौके पर पहुंचे। पीआरबी वाहन में 2 लोग सवार थे। तब एक सिपाही नीलकमल ने फोन कर अपने 2 साथियों को बुलाया। मौके पर पहुंचे साथी घायल को उठाकर गाड़ी में लिटाने के बजाय व्यापारी के दोनों हाथों से 4 अंगूठी, चेन व पैंट से 2 मोबाइल निकाल लिए। पुलिस 11:10 पर अस्पताल पहुंची। 11:25 पर भारतीय जनता पार्टी का नेता दम तोड़ दिया। अब आप सोचिएगा, लूटपाट करने के स्थान पर अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, बात पार्टी की नहीं है, बात यहाँ पर है मानवता की। पुलिस लूट रही है, पुलिस को जिसको तनख्वाह मिलती है, जिसको सुरक्षा के लिए सरकार ने रखा है, जनता के टैक्स से पैसा जाता है, वो पुलिस लूटपाट में शामिल है, गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? योगी जी के राम राज्य को लेकर क्या राय है? चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।